हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेके आया हूँ। दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट 2023 के लिए वैकेंसी निकाला है, जिसमें 7547 पोस्ट, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल कहीं भी ऑल इंडिया ओवर आप देना चाहते हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं विद ए सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी, क्योंकि दिल्ली पुलिस आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। जितने भी फैसिलिटीज़ आपको आर्मी नेवी एयरफोर्स अलग से मिलता है, उसके बाद आपको और भी ज़्यादा पैसा यहाँ दिल्ली पुलिस में मिलता है, क्योंकि जो हाउस रेट अलाउंसेस और जो TPDL ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 2400 रुपये यहाँ दिल्ली पुलिस में मिलता है, तो आपकी सैलरी लगभग बहुत बढ़िया होने वाला है। वीडियो में बने रहे, हम अभी बात करेंगे, आपको एक एक चीज़ बताएंगे, गर्ल्स को क्या चाहिए, बॉयज़ को क्या चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या आपकी प्लान रहेगा, कैसे आप सिलेक्शन ले, कैसे आप अप्लाई करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। हमारे एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, लगे यूज़फुल ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और फिर सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इसको। चलिए नीचे चलते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही हम बात करेंगे। एज यू नो, आपकी टाइम वेस्ट करना हम नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट होने वाला है, अंडर में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर में, SSC के अंडर में ये जॉब है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का। जो पोस्ट नेम होगा आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपकी है, बहुत अच्छा पोस्ट है दोस्तों, मान लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। वैकेंसीज रहेगा 7547 और पे लेवल देखिए, पे लेवल 3 का पे लेवल आपको मिल रहा है। एप्लीकेशन मोड रहेगा आपका ऑनलाइन में, ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा SSC.NIC.IN में आप अप्लाई करेंगे जाके। अगर आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें, आपका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है, वीडियो लेट आने के कारण मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिन बचा है आपके पास, 30 सितंबर तक का ही दिन बचा है आपके पास, ठीक है। अगर 30 सितंबर से पहले आपको इसको फॉर्म को भर देना है, फिर भी गलती हो जाता है, तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्शन डेट आपका 3 और 4 अक्टूबर, 2 दिन आपकी करेक्शन विंडो खुल जाएगा, वहाँ पर आप फॉर्म को अपने करेक्ट कर पाएंगे। एग्जाम डेट रहेगा December 2023, यानी आपके पास बच गए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 3 महीने, ये बच गए अगर सितंबर का कुछ ही दिन है तो। इसका प्लान भी आपको बताएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, फ्री में करवाएंगे, ठीक है। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आपकी जो एडमिट कार्ड आएगा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 4 दिन पहले या फिर 7 दिन पहले आपकी एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस का मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा नेट के कारण या हो गया, ओके आ गया। जनरल अगर OBC या फिर EWS में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, सिर्फ 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना है। SC ST कैंडिडेट, ESM डिपार्टमेंटल, कोई पैसा देने का आपको ज़रूरत नहीं, फ्री में आप जाके www.NIC.IN SSC.NIC.IN में अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, आपको 18 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपका 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2023 को कैलकुलेट करके इतना नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है एज में पूछ लेना, मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। मुझे लगता है सारे मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हो आप लोग 25 साल से नीचे है और आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर फिर भी आप SC ST है तो 5 साल और मिल जाएगा यानी 30 साल, या फिर अदर बैकवर्ड्स क्लास में आते हैं 3 साल और मिल जाएंगे यानी 28 साल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर आप SSC में ऑलरेडी है वहाँ पर तो 40 साल, ठीक है। और सन ऑफ डिटर सर्विसिंग रिटायर्ड और डिक्रीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल या फिर मल्टीटास्किंग ऑफ दिल्ली पुलिस में अगर आप रिटायर्ड फादर, उनकी बेटा और बेटी है आप लोग, 29 साल आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। एक सर्विस मैन हो 3 साल और मिल जाएगा, ठीक है। विडोज डिवोर्स्ड जुडिशली सेपरेटेड वोमेन हु आर नॉट रीमेरिडेड, तो 5 साल आपको वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जॉब अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं आपके स्टाइलिश स्ट्रक्चर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 7547, एज आई मैंने बताया था, सैलरी रहेगा आपकी 21,700 से लेके बेसिक पे शुरू होगा, जिसका बेसिक पे रहेगा 69,000 एंड अदर अलाउंसेस लाइक DA, TPTL, HR, ये सब मिला के आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से भी ऊपर जाएगा, इससे नीचे आपका नहीं होने वाला है। अगर आप डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक अप्लाई करके पोस्ट दे दीजिए, क्या हो सकता है कि यहाँ पर अगर आपकी जॉब हो सकता है, दिल्ली एक Class 1 सिटी है, वहाँ पर अगर जॉब मिल गया उसके बाद भी आप डिफेंस के लिए फर्दर अच्छे पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक तो आपकी लाइफ जो स्टेबिलिटी है, जो घर का प्रेशर है, उस इस पैसे के माध्यम से आपकी ठीक हो सकता है, और आगे जाके आप इसके लिए बहुत मोटिवेट होकर पढ़ाई कर सकते हो। मेरा प्लान तो यही है, बाकी आपको अच्छा लगता है दे सकते हो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। चलते हैं नीचे, देख लेते हैं पोस्ट में किस किस का कितना है। भाई कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल में
जनरल में 2748, EWS में 488, OBC में 258, SC में 717, ST में 242, यानी 4453 पोस्ट टोटल हैं। एग्जीक्यूटिव उसके बाद मेल एक्स सर्विसमैन अदर के लिए 1553, 27, 15, 48, 33 और लगा के टोटल 266 पोस्ट है। और लड़कों के लिए कितना 4453। अभी आते हैं यहाँ पर कमांडो पारा 3 एग्जीक्यूटिव या कांस्टेबल कमांडो के लिए यहाँ पर ये पोस्ट रहेगा आपका 337। हम लड़कियों का थोड़ा पोस्ट में बात करेंगे, ये इतना वो कुछ नहीं है। चलो आगे लड़कियों की बात करेंगे थोड़ा सा। कांस्टेबल यहाँ पर अदर्स के लिए 1502, 268, 140, 429 और 150 टोटल मिला के 2400। मतलब अगर टोटली हम माने तो ये जो बाकी जो रिजर्व है ना, ये जो इन्होंने दिया है, ठीक है, ये 266 और 337, ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 300 पोस्ट यहाँ हो गया। तो ये 600 पोस्ट भी आपको ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इतना रिजर्व कैंडिडेट होंगे नहीं, कोई एक सर्विसमैन आके दिल्ली पुलिस में भर्ती होगा नहीं, ठीक है। पहली बात, इतना सर्विस करके आ रहा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो पोस्ट है ये बांट दिया जाएगा आपकी मेल और फीमेल में। तो अगर मैं बता दूं तो मेल का हो जाएगा कम से कम, यहाँ पर फीमेल का हो जाएगा 2800 के आसपास पोस्ट, ठीक है। वहीं पर जो मेल का हो जाएगा वहाँ पर 4700 के आसपास पोस्ट, इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्ट काफ़ी अच्छा नंबर है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर आप देख लेते हैं दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्या है। ये बोल रहा है आपको 12th पास होना चाहिए, आर्ट्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल, किसी से भी आप पास होना चाहिए, बस कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं, आप 12th पास होना चाहिए। कैंडिडेट मोस्ट पोजेस है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास रहना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का, फोर व्हीलर का नहीं चाहिए, जो गाड़ी चलाते हैं ना आप, बाइक का, वो होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ए लर्नर लाइसेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है अगर आपके पास लर्नर है, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं, अगर आपके पास नहीं है अभी अप्लाई कर दो, आ जाता है, ठीक है। अभी बात करते हैं कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस। पहले आपका होगा ऑनलाइन रिटिन टेस्ट, ठीक है, पहले आगे आपका होगा ऑनलाइन रिटिन टेस्ट। क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है। उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दो। फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस और फिर सिलेक्शन यानी मेरिट लिस्ट। ये तो खा ही लेता है यार, लास्ट में जाके कट जाते हैं ना, दुख होता है, ठीक है। इतने आपके सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसमें और क्या डिटेल्स में समझाऊँ, चलो नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं रिटिन टेस्ट में आपका क्या क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका आएगा 100, मैक्सिमम मार्क रहेगा 100, मतलब एक क्वेश्चन का एक मार्क रहेगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट रहेगा, यानी एक क्वेश्चन को आपको एक मार्क नहीं मिल रहा है, 50 सेकंड उससे कम भी मिल रहा है। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 यानी 0.25 रहेगा, 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक मार्क कट जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिकुलेशन के साथ में आपकी पेपर रहेगा, इसका डिटेल सिलेबस भी आपको मैं बताऊंगा, बुक्स भी बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि सर बढ़िया सा बुक्स बता दो तो नीचे कमेंट करना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो मैं वहाँ पर आपको लिंक के साथ बुक डिस्क्राइब कर दूंगा, लिंक के साथ मतलब आपकी एक बुक, एक प्रैक्टिस सेट बता दूंगा, खरीद लेना, उसको पढ़ाई कर लेना ईमानदारी से, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ पर आप पूछते रहते हो क्या सर दोनों लैंग्वेज में आएगा, बिल्कुल आएगा, आपको जो भी पसंद है, आपको हिंदी पसंद है या फिर इंग्लिश पसंद है, आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते, ये देखिए आपके पार्ट वन में आएगा जनरल नॉलेज ऑब्लिक करेंट अफेयर्स, जिसमें आपके आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स आएगा आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क का, उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS Excel, MS Word, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स का 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 10 मार्क टोटली क्या बोलेगा मिलेगा, ठीक है। आप आ जाते हैं फिजिकल में क्या क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, ये है मेल और ये है फीमेल के लिए, ठीक है, मेल फीमेल। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपके हाइट 170 होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट है तो 157 आपकी हाइट होना चाहिए, इससे नीचे आपके नहीं चलेगा। चेस्ट आपका 81 से लेके 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए, फीमेल का कोई चेस्ट की जरूरत नहीं, आपका कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। 1.6 किलोमीटर आपको रेस करना है, मेल को सिर्फ 6 मिनट मिलेगा, और ये भाई साहब टफ कर दिया इस बार। और वहाँ पर फीमेल सेम 1600 मीटर दौड़ेंगे 8 मिनट में, यहाँ भी टफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, आगे जाके और कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि अग्निवीर में कोई जाना नहीं चाहता, सब परमानेंट में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर आओगे स्टार्टिंग 40,000 सैलरी मिलेगा, 50 साल की नौकरी है, क्या दिक्कत है, दिल्ली में रह रहे हो, क्लास वन सिटी में जा रहे हो, रात को क्लब में घूम रहे हो, और क्या चाहिए, ठीक है। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट लगाना होगा, मेल कैंडिडेट को 10 फीट लड़कियों को लगाना होता है, वुमेन मिलिट्री पुलिस में भी सेम है। हाई जंप आपको लगाना है 3 फीट 9 इंच का, यहाँ पर मतलब 4 फीट मान लीजिए, 4 फीट ही कर देता यार, यहाँ पर 3 फीट, ठीक है।
तो 4 फीट और 3 फीट हाई जंप लगाना होगा। इसमें से अगर आपको कोई भी इवेंट आपका नहीं हो रहा है तो कमेंट कर देना, मैं उसका इजी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। अभी आते हैं आपकी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। बुक और प्रैक्टिस सेट के लिए आप कमेंट करना, मैं बना दूंगा वीडियोस। जनरल नॉलेज में दिस सेक्शन इवेल्यूएट कैंडिडेट जनरल नॉलेज, यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन क्या रहेगा आपके टॉपिक्स का, इंडिया की क्वेश्चन रहेगा, नेबरिंग रहेगा, कंट्रीज रहेगा, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च में आपके क्वेश्चन आएगा। ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 क्वेश्चन तो इसी में आ रहा है दोस्तों, 50 क्वेश्चन। अगर हम कटअप्स की बात करें 50 से ऊपर ही कटअप जाएगा, तो ये जो पार्ट है ना आपकी 50 से तो कम से कम 47-45 आ जाना चाहिए। अगर इसमें से आप आ गया ना तो ये सारे चीज़ नहीं आए तब भी आप पास हो जाओगे, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो कटअप्स का भी वीडियो हम बताएंगे प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है। रीजनिंग में आपका क्या क्या आएगा, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंशियल, स्पेशल, विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरीज, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसका जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर इसका जो PDF है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आर्मी शाल ऑफिशियल, वहाँ पर मैं डाल दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, आपको लगता है यूज़फुल करना, नहीं तो कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स में आपका क्या क्या चीज़ आएगा थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, या फिर परसेंटेज, या फिर अरिथमल। अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ ना, देखो एक दो क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन हो गया मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गया टाइम एंड वर्क, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एवरेज, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, प्रोपोर्शन, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। टोटली इस सब्जेक्ट में ना इतना क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा बाहर से कोई आ ही नहीं सकता। आप मुझे कमेंट कर देना कि अगर इससे बाहर आ सकता है। यहाँ पर कंप्यूटर का फंडामेंटल्स पूछा जाएगा, MS Excel, MS Word, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW, इसके बारे में। तो MS Excel में आपने स्प्रेडशीट बेसिक्स, सेल एडिटिंग फंक्शंस, ये पूरा सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ईमेल बेसिक्स, सेंडिंग रिसीविंग रिलेटेड फंक्शंस, इंटरनेट, WWW, वेब ब्राउजर, इंटरनेट ओवरव्यू सर्विस, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच का है, मैं इसलिए बोला बहुत बढ़िया पोस्ट है दोस्तों, मजे करोगे लाइफ में। URLs, HTTP, FTP, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजिन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग। तो यहाँ पर रहेगा आपकी क्या है, मतलब ये सारे चीज़ आपके आएगा। यहाँ पर 30 सितंबर को रात को 11 बजे आपको यहाँ पर बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर लेना। इसके बाद आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।